आज की वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जो नए नए मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन से। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिसेंटली कि जिसमें बहुत सारे रिस्पॉन्स आया था और तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई किलर भाई माइक का प्रॉब्लम आ रहा है, माइक का कोई सजेशन बताओ। तो आज मैं तुम लोगों को खुल के पूरा सजेशन बताने वाला हूँ। और मैं जो माइक यूज़ करता हूँ वो इतना सस्ता है उससे सस्ता कोई माइक ही नहीं है इस दुनिया में, एक्सेस नहीं करता है। तो आज तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ दुनिया का सबसे चीपेस्ट माइक कैसे बना सकते हो, वो भी अपने घर में। भाई ज्यादा खर्चा नहीं है, बस 50 से लेके 60 रुपए का खर्चा होगा। तो चलो, और तुम लोगों ने पहले वाली जो हेलमेट सेटअप की वीडियो में इतना सारा प्यार दिखाया ना, भाई दिल खुश हो गया। भाई ऐसे ही प्यार दिखाते रहो आगे तक वीडियो तक, मतलब मुझे एंड तक इतना सपोर्ट चाहिए। तो अभी चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और चलो अभी तुम लोगों को बनाना सिखाते हैं कैसे बना सकते हो आप एक सबसे चीपेस्ट। आपके पास होना चाहिए एक 60 रुपए का हेडफोन, आप 60 रुपए का यूज़ कर सकते हो, 1000 रुपए का यूज़ कर सकते हो। आप जितने अच्छे हेडफोन यूज़ करने वाले हो उतना अच्छा क्वालिटी देने वाला है। तो मैं तुम लोगों को बेसिक एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप 60 रुपए का हेडफोन यूज़ कर रहे हो तो भाई बोया का जैसा क्वालिटी आएगा, अगर आप कोई उससे ज़्यादा ऊपर यूज़ कर रहे हो तो उससे बेटर क्वालिटी आएगा। तो समझ रहे हो, मतलब क्या ही बताओ, आप जितने का भी यूज़ कर सकते हो, अच्छा होना चाहिए उसका माइक बेसिकली, और कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को 60 रुपए का हेडफोन चाहिए, तुम ख़राब यूज़ कर सकते हो या तो फिर जिनका हेडफोन का स्पीकर वगैरह उड़ गया है वो वाला हेडफोन यूज़ कर सकते हो। उसका पिन अच्छा होना चाहिए, उसका माइक अच्छा होना चाहिए। हेडफोन तो चाहिए बेसिकली, मैं ये वाला हेडफोन यूज़ करने वाला क्योंकि भाई इसके अंदर अच्छा वाला हेडफोन है, तो इसे रख देते हैं यहाँ पर। और अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये है मेरा वही ख़राब वाला हेडफोन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसके स्पीकर नहीं है। सो बेसिकली हमें जो चीज़ चाहिए वो होता है ये वाला माइक। क्या करना है, ये जो पार्ट है इसे काटना है तुम लोगों को। कैंची लाओ बेसिकली, और काट तो गया ये वाला पार्ट रह गया, इसे अच्छे से खोलना है, ठीक है। लगा दो इधर को, बस ये खुल गया, देख सकते हो। सो ये सबसे सस्ता माइक है, इसलिए भाई लोग इसमें क्या है कि इसमें बोर्ड नहीं है। जो महंगा वाला मतलब कि हेडफोन्स वगैरह होता है, जैसे समझ लो आप रियल मी का हेडफोन समझ लो, जो 280 का 260 का ऐसे बड़े बड़े जो हेडफोन्स होते हैं उस वो वाला चीज़ यूज़ करते हो तो भाई तुम लोगों को उसमें बोर्ड मिल जाता है, लंबा सा बोर्ड मिल जाता है। इसमें बस एक स्विच मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो अभी क्या करना है, इसे काट लेना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है। आपको माइक को नहीं काटना है, एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उसे काटना है आपको बेसिकली, क्योंकि वायर वगैरह हमें अच्छा नहीं लगता है। तो अभी तुम लोगों को ये वाला पार्ट्स को अच्छे से काट लेना है, ये स्विच के ऊपर ऐसे चिपका देना है। आप फेविक्विक यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे आपको चिपकाना है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको इसे हेलमेट में लगाना है। कैसे लगाना है, और एक टिप्स है जो आप इसमें स्पॉन्ज वगैरह यूज़ कर सकते हो। स्पॉन्ज बेसिकली कैसा होता है कि आप हेडफोन ईयरफोन्स में जो होता है डंबल में होता है उसमें स्पॉन्ज लगा हुआ होता है, उसके बाद बैग में स्पॉन्ज लगा हुआ रहता है। दुकान में जाके बोल सकते हो, एक हार्डवेयर की दुकान में जाओ, वहाँ पर जाके बोलो कि अंकल मुझे एक स्पॉन्ज चाहिए। जो कि है स्पॉन्ज दो तरीके का होता है, एक होता है सॉफ्ट वाला मतलब सबसे पतला वाला, और सबसे मोटा वाला होता है। मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा, हवा सबसे प्रोटेक्ट करता है आपका सबसे पतला वाले को। तो पतले वाले लो, उसमें थोड़ा सा छेद करो, इस माइक को हल्का से घुसर दो, उसके बाद माइक को अच्छे से फेविक्विक या तो कुछ भी आप रबर बैंड से अच्छे से फोल्ड कर लो, ठीक है, ना खुले जैसे। अब तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ इसे कैसे आपको फिट करना है, हेलमेट के कहाँ पर फिट करना है मैं बेसिकली बता दूँ। सबसे पहले आपको हेलमेट को लेना है, यहाँ पर पैडिंग में जो कि ऐसे ही लगा रहता है, तो आप तुम डरना मत कि भाई ये हेलमेट वगैरह टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा एक पीस रहता है, ऐसे खींचोगे तो ये खुल जाएगा। तो देख सकते हैं ये है इसका पैडिंग का स्पेस, जो यहाँ पर हम वायर लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वायर लगाना है, तो माइक को फिक्स यहाँ पर करेंगे, मुंह रखेंगे यहाँ पर, पूरा का पूरा सेंटर इधर का होना चाहिए क्योंकि भाई इधर से भी हवा नहीं आने का, और जो आप वायर खुले रखोगे तो भाई वहाँ से भी ना हवा आ सके। तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा का पूरा मिडल में रखने वाले हैं, आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। तो माइक की जो फ्रंट है यहाँ पर माइक है और यहाँ से वायर जा रहा है, तो अभी यहाँ पर क्या करते हैं वायर को अच्छे से लुटाते हैं इधर। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स मोटो ब्लॉगर्स के साथ शेयर करना, एवरीथिंग सब कुछ करना। चलो मिलते हैं किसी और एक नई ब्लॉग या वीडियो पे, तो तब तक के लिए गुड बाय।